أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. सैयदना माविया रहमतुल्लाह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ इनायत कर देता है और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ और देने वाला तो अल्लाह ही है और इस्लाम की जमात हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, जो इनका मुखालिफ होगा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म यानी कयामत आ जाए। सही बुखारी की हदीस नंबर 64 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब भी कोई तालिब इल्म आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मरहबन बी तालिब इल्म, और आप सबको मेरे ऑनलाइन वाली सिस्टर्स को और जो हमारे साथ ऑन साइट मौजूद हैं सबको अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। आप सबको अल्लाह सुबहान तआला ने चूज किया है कि आप इस रास्ते में आए। याद रखिएगा, मेरा यहाँ पे बैठना या आपका यहाँ पे आना ये हमारी विल से नहीं हुआ, ये अल्लाह सुबहान तआला की तौफीक है, खालिस्तन उसका करम है जो आपको और मुझे दोबारा इस जगह तो यहाँ पे बैठते हुए दिल में अल्लाह सुबहान तआला का बार बार शुक्र अदा करें। इस टाइम पे हम सोए भी हो सकते थे, हम कोई ड्रामा भी देख सकते थे, हम किसी भी दुनियावी एक्टिविटी में बिजी हो सकते थे, लेकिन अगर अल्लाह सुबहान तआला ने हमें तौफीक दी है कि हम उसके कलाम को जानने की फिर से कोशिश करें तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब कि कोई तो अमल ऐसा कर रहे हैं कि अल्लाह सुबहान तआला कबूल कर रहा है। अल्लाह सुबहान तआला हमारी नेकियों में इजाफा करे और इल्म के रस्ते में हमें इकट्ठा यूं ही चलाता रहे। ये कोर्स हम एक नए पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। मैं जानती हूँ बहुत से आपसे ऐसे लोग हैं, आप लोगों में से जो मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, ज्यादा इल्म और फहम वाले हैं, लेकिन जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं और उसकी बेस स्ट्रांग होती है तो उस पर जो इमारत कायम होती है वो बड़ी स्ट्रांग बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इस सफर को शुरू किया, सफर को अब 3 साल होने वाले हैं, चीजों से गुजरते यहाँ तक पहुंचे हैं। हर नया कोर्स इसीलिए लॉन्च किया जाता है कि पुराने कोर्स में कुछ कमियां महसूस होती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ इस कोर्स के बाद भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुख्तसर से मुख्तसर डिटेल्स को भी आप नोट करें और उसको समझने की कोशिश करें कि ये समझिए कि ये वो फाउंडेशन है इंशाल्लाह हमारे दौरे कुरान के लिए अभी से बिल्ड की जाएगी। हम दौरे कुरान में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, रमजान का महीना होता है, हम बड़े एक्टिवली इल्म हासिल करने के लिए काम के लिए निकलते हैं, लेकिन एक मुसलमान वो हर दिन का मुसलमान है, सिर्फ रमजान का नहीं बल्कि 24/7 का मुसलमान बन जाता है। तो ये कोर्स हम इसी जज्बे के साथ शुरू करेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक देगा कि हम बेहतरीन तरीके से कुरान पाक समझ सके। इल्म हासिल करना बड़े ही अल्लाह के करम है और इल्म के 6 मरातिब हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि सही और जामे इल्म मिल सके। मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, आप भी एक तालिबे इल्म हैं, और जब हम इस जहां
बैठे हैं, तो हम इन 6 पॉइंट्स को बड़े गौर से अपने अंदर डाल के बैठेंगे ताकि कोई कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए और ये इल्म हमारे हाथों से छूट ना जाए। पहली चीज, नियत। नियत का सही होना इल्म के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो सब लोग अपनी नियतों को खालिस कर लीजिए कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो खालिस्तन खालिस्तन अल्लाह सुबहान तआला की रजा के लिए बैठा हूँ। और क्यों बैठा हूँ? ताकि मैं किसी को ये बता सकूं कि मैं इल्म वाला हूँ? नहीं, ताकि मैं अपने अंदर की जहालत को खत्म कर सकूं। जहालत सबसे पहले अंदर से खत्म होती है तो फिर का नूर बाहर तक जाता है। यहाँ पे कोई किसी को अपनी बरतरी फजीलत और से सुनना, अगर हम कुरान पाक को या कुरान पाक कनेक्टेड किसी भी बात को गौर से सुनेंगे नहीं तो आपके दिल तक नहीं जाएगी। और अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और कान बंद हैं और सुम्मुन बुकमुन हुए हुए हैं तो कोई भी चीज आपके दिल पे असर नहीं किया। उसमें 100 लोग हैं, सब लोगों पे डिफरेंट असर होगा। असर किस तरह का होगा वो डिपेंड करता है कि किसने कितने गौर से सुना, किसने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मुझे बेहतरीन इल्म हासिल करना है, आज मुझे इस क्लास से कुछ तो लेके ही निकलना है, तो गौर से मैं सुनूंगी। तीसरी चीज होती है अल हिफ्ज, हिफ्ज करना। हिफ्ज आम जबान में बोला जाए तो याद करने को कहते हैं, लेकिन लिखना भी हिफ्ज की एक किस्म होती है, क्योंकि जो लिखा जाता है हाथ से, आपका हाथ लिख रहा है लेकिन आपकी मेमोरी में, आपकी ब्रेन में वो चीज इम्प्रिंट हो रही है और ये साइंस से आज प्रूव हो चुका है। चौथी चीज है अल-फहम, समझना कि जो बोला जा रहा है वो समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा या ऊपर से गुजर रहा है। पांचवी चीज होती है अमल करना। इल्म बगैर अमल के बिल्कुल बेकार है। किसी के पास बहुत सा इल्म हो लेकिन अमल ना हो तो उसकी मिसाल उसी गधे की तरह है जिसमें किताबें तो ला दी जाए, वो एक जगह से उन दूसरी जगह उन किताबों को मुंतकिल भी कर देगा लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अगर मैं आज यहाँ से कुछ लेके जाऊंगी तो मेरा फर्ज क्या है कि मैं यहाँ से जब जाऊं, मेरे पास एक पूरा हफ्ता है, मैं उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता अपने अमल में लाना शुरू कर दूं। और छठी चीज है आगे फैलाना। हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है, अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं कहा कि जब पीएचडी डिग्री कर लोगे, जब तुम्हें आलिमा की सनद मिल जाएगी तब भी तुम फैला सकते हो। अल्लाह तआला ने कहा है एक लफ्ज भी सीखो तो उसको आगे क्या करो, उसको आगे दूसरों तक पहुंचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में 63 सुबह तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर 63 लोग एक एक बंदे को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, भाई से, माँ बाप को, तो सोचें कि ये इल्म की रोशनी कहाँ तक जाएगी। तो हमें उम्मीद करती हूँ कि इन इल्म के मरातिब को जहन में रखते हुए आप लोग आज की क्लास का आगाज करेंगे। इल्मुल बयान कोर्स क्या है, मुझे बहुत से लोगों की क्वेरीज आई कि इस कोर्स में क्या कराया जाएगा। इल्मुल बयान कोर्स में अलूमुल कुरान, कुरानिक साइंसेस के बारे में बात होगी। अब कुरानिक साइंसेस से जहन में आता है कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की बात होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे मुराद वो इल्म है जो कुरान को समझने के लिए, कुरान को सही तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए, उसका फहम हासिल करने के लिए हमें चाहिए होता है। इसके मरकजी उनवानात, जो उसके बुनियादी टॉपिक्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कुरान पाक है क्या। ये वो बात है जब मुझसे किसी ने पूछे, मैं 2 मिनट के लिए आई वाज लाइक अल्लाह ताला की किताब है ठीक है, लेकिन है क्या। हम सब जानते हैं कि कुरान पाक है, लेकिन हमारे पास लफ्ज नहीं होते टू डिस्क्राइब इट, कि हम कुरान को कैसे बेहतरीन तरीके से डिफाइन करें। कुरान क्या है, हदीस क्या है, वही क्या है, वही की इकसाम क्या है, सब बताया जाएगा। असबाब नजूल कुरान, कुरान क्यों नाजिल हुआ, किस वक्त में कैसे नाजिल हुआ बताया जाएगा। मक्की और मदनी दौर की सूरतों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सूरतें मक्की हैं, कौन सी मदनी, ये बताया जाएगा। नासिख और मनसूख का इल्म सिखाया जाएगा। कुरान का जमा करना कैसा हुआ, कैसे कुरान पाक नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी जिंदगी में उसको लिखवाया, फिर कैसे खुल्फाए राशिदीन के दौर में उसको किताबी शक्ल देख के एक फॉर्मेट बनाया गया, ये आप सीखेंगे। कौन सी सूरत पहले नाजिल हुई, कौन सी बाद में, कौन सी आयात को मनसूख कर दिया गया, इल्मुल तफसीर और बहुत सी चीजें इस
कोर्स का हिस्सा रही। इन सब टर्म्स को समझने के लिए जो हमें कोर्स आउटलाइन दी गई थी उसमें अल बुरहान फी अलूमिल कुरान मौलाना जरकशी रहमतुल्ला की किताब थी, अल इत्तिकान फी अलूमिल कुरान मौलाना सयूती रहमतुल्ला की किताब थी, और अलूमिल कुरान मौलाना तकी उस्मानी रहमतुल्ला की किताब हमें प्रोवाइड की। अब ये तीनों किताबें अरेबिक में हैं और बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में। हम सब चाहते हैं हम समझें, लेकिन जब हम कुरान हम बुक्स उठाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इतनी मुश्किल होती है कि 90% ऑफ लोगों को मैं जानती हूँ जो किताब को फिर वैसे ही रख देते हैं, क्योंकि इतनी उर्दू भी हमारी माशाल्लाह हो चुकी है और अरबी से तो हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो इन्हीं किताबों से मेन डेफिनेशंस लेके उनको इजी करके प्रोसेस करके आप तक पहुंचाया जाएगा, ताकि एक आम से आम बंदा जो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, जो लिख भी नहीं सकता, उसको भी समझ आ जाए और एक इल्म वाला बंदा भी आराम से उसको समझ सके। ये तीनों रेफरेंसेस आप लोग याद रख सकते हैं और फर्दर इफ यू वांट टू रीड आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और फिर इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। आते हैं कुरान पाक के बारे में। हम देखते हैं कुरान करीम के कई नाम हैं। कुछ उल्मा ने इसके 50, कुछ ने 90 से ज्यादा नाम इसके बताए हैं, लेकिन वो नाम जो कुरान ने खुद अपने लिए मुंतखब किए हैं वो नाम है अल-फुरकान, अल-कुरान, अज़-ज़िक्र, अल-तंज़ील। ये पांचों नाम कुरान ने खुद अपने लिए मुंतखब किए हैं। चुनाचे अल्लाह सुबहानो ताला ने कम अज कम 61 मकामात पर अपने कलाम को इन्हीं नामों से याद किया है। कुरान का लफ्ज किराअतन यकराउ से निकला है, जिसके लघवी मानी पढ़ने के हैं। कुरान का लफ्ज किराअतन से मुश्तक है, मुश्तक होता है निकला है, जिसका मानी क्या है, पढ़ना तिलावत करना। और इसको कुरान क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब यही है। अल्लाह सुबहान तआला सूरह कयामत आयत नंबर 17 में फरमाते हैं, बिलाशुबा इस किताब का जमा करना और पढ़ना हमारे हमारे ही जिम्मे है। ये थे कुरान के लघवी मानी। और अगर इस्तेलाही तारीफ के बारे में देखा जाए तो ये अल्लाह ताला का मौजिज कलाम है। मौजिज का लफ्ज मौजजा से निकला है और एजाज के मानों में भी आता है। यानी ये कुरान पाक अरबी में जब मक्का में उस वक्त नाजिल हुआ तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, अरबी। और वहां पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े इन वाले थे जो बहुत अरबी में अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे। अल्लाह सुबहान तआला ने उनको आजिज करना था तो अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान पाक को उतारा। ये अल्लाह ताला का मौजिज कलाम है। कौन सा कलाम, जो लोगों को आजिज करने वाली किताब है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचाया गया, जो हम तक तवातुर के साथ पहुंचा। ये क्या है, अल कुरान कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं जो अल्लाह सुबहान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। और रास्ता क्या था, क्या जरिया था जिससे नाजिल की, वो थे जिब्राईल अमीन, जिसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। और ये कुरान तवातुर के साथ उतरा। तवातुर के मानी होते हैं पे दर पे, एक ऐसी चीज जिसकी सच्चाई का लोग गवाही दें और हर जमाने में इतने लोग मौजूद हों जो कि ये गवाही दें कि ये सच्ची है, और इसकी तादाद इतनी कसीर हो कि इसके झूठ होने में कोई शक ना हो। तो ये कुरान हम तक तवातुर के साथ पहुंचा, जिसकी तिलावत इबादत है। किसी भी टेक्स्ट बुक को अगर आप पढ़ें आपको सवाब मिलता है, इबादत होती है आपकी, नहीं। लेकिन कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इसलिए उसको पढ़ना क्या है, इबादत है, जो सूरह फातिहा से शुरू होता है और सूरह नास पर खत्म होता है। ये कुरान की तरतीबी, जो उसका तरतीब, जिस तरतीब से वो नाजिल किया गया है उस लिहाज से किससे शुरू होता है, सूरह फातिहा से, और सूरह नास पर खत्म होता है, और जिसकी सबसे छोटी सूरत के साथ भी मुकाबला करने का चैलेंज दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, फातु भी सूरत में मिस्ल ही, इस जैसी एक बना दो तो मैं मान जाऊंगा। अरब में शेर व शायरी का बहुत दौर दौरा था
और जब ये कुरान पाक नाजिल हुआ तो शोरा अपनी शायरी पे बड़ा नाज करते थे और खाना काबा की दीवार पे जो बेहतरीन उनका कलाम होता था वो लगा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत नाजिल हुई, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। जब कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत नाजिल हुई, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खाना काबा की दीवार पे जाके टांग दिया। वहां पे बहुत से शायर गुजरे, और जो वहां पे उस टाइम का सबसे बड़ा शायर था वो गया, उसने पढ़ा पढ़ा और बड़ा हैरान हुआ। और हैरान क्यों हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए शायरी से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो देखें कि दो जुमलों का मिसरा होता है और बंद जो होता है वो चार मिसरों का होता है, लेकिन ये तीन आयतें थी। वो तो शायरी की नजर से देख रहा था ना कि भई ये कोई शायरी आई है, मैं इसमें से कोई नुक्ता निकालता हूँ। कह रहा है ना ये दो मिसरे हैं ना ये चार हैं, ये तीन है और ये मुकम्मल है। बड़ा उसने सोचा, उसने बड़ी कोशिश की कि मैं इसमें से कोई फॉल्ट निकालूं, इसके वजन में, जो शायरी की जबान में था, कि वजन में काफी रदीफ में कोई गलती निकालूं। कोई गलती नहीं निकल सकी। इतने दिन तहकीक करने के बाद उसने नीचे एक लाइन लिखी, उसने लिखा मा हाजा कौलुल बशर, ये कलाम किसी बशर का नहीं है। तो ये कलाम कौन सा है? जो अल्लाह ताला का कलाम है और मौजिज कर देता है, इंसान को आजिज कर देता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं जो कुरान पे तहकीक करते हैं, जब वो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो कहते हैं ये वो गहरा समंदर है कि इसमें जितना डूबा जाए हर वक्त लगता है कि इससे एक नई चीज उभर के आ रही है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इस्तेलाही तारीफ आपको दी जा रही है कि अल्लाह ताला का मौजिज कलाम है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए पहुंचाया गया, जो हम तक तवातुर के साथ पहुंचा, जिसकी तिलावत इबादत है, जो सूरह फातिहा से शुरू होता है और सूरह नास पर खत्म होता है, और जिसकी सबसे छोटी सूरत के साथ भी मुकाबला करने का चैलेंज दिया गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि कुरान करीम क्या है तो आप बड़े खूबसूरत नपे तुले अल्फाज में बता सकते हैं। फिर आती है हदीस। हदीस का लफ्ज कदीम की जिद है। कदीम क्या होता है? पुराना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नया। तो हम जब मैं कह रही हूँ हदीस का लफ्ज कदीम की जिद है, इसका मसदर हदस है जिसका इतलाक नए अवारिस पर होता है, यानी हर नई चीज को, हर नई बात को हदीस कहते हैं अरबी में। हम नहीं कहते हादसा हो गया, फलानी जगह हादसा हो गया। हादसा क्या होता है? एक नई चीज होगी, जो अनयूजुअल चीज थी वो, दैट टू प्लेस, तो हम कहते हैं हादसा हो गया। अब दोबारा से इस लाइन को सुने, अब आपको समझ आएगा। हदीस का लफ्ज कदीम की जिद है और इसका मसदर हदस से है जिसका इतलाक नए अवारिस पर होता है, नई चीज और नई बात को हदीस कहते हैं। हादसा को इसीलिए ये नाम दिया गया है कि वो वकूह के एतबार से नया होता है। दुनिया के अजायबात और खिलाफ उम्मीद वाकयात, हिकायात और किस्सों को भी अहादीस फरमाया गया है। ये थे हदीस के लगवी मानी। और इस्तलाही मानों में अगर देखें, इस्लामी इस्तेलाह में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फेल और तकरीर का नाम हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फेल और तकरीर का नाम हदीस है, इसकी जमा अहादीस है। इस्तेलाही मानी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अकवाल हैं जो रावियों के जरिए नस्लन बाद नस्ल तवातुर के साथ वो अमल में पहुंचे हैं। हदीस के मानी इस्लामी इस्तेलाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को समझाने के लिए बताई हैं, जिसे कुरान, जैसे कुरान कहता है कि नमाज पढ़, मगर कुरान में इस नमाज में क्या है और कैसे पढ़ना है इसका कोई तरीका नहीं बताया गया। इसका तरीका जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और फिर उन्होंने हमें बताया। तो हदीस वो तरीका है, वो कौल है, वो फेल है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अहकामात की तफसील हम तक पहुंचाई, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हो, चाहे वो उनके अफाल हो या तकरीर हो। अगर हम देखें तो हदीस की चार किस्में हैं। एक होती है कौली हदीस। कौली हदीस वो हर वो चीज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है, तो ये क्या है? कौली हदीस जो उन्होंने फरमाया। दूसरी हदीस की किस्म है फेल, फेली हदीस।
ये वो हदीस है जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए। जैसे नमाज की एग्जाम्पल आपको दी गई है, नमाज का हुक्म हमें कुरान में मिलता है लेकिन तरीका हमें कुरान में नहीं मिलता, वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हज का हुक्म हमें कुरान में मिलता है, हज का तरीका हमें नहीं पता था, वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तीसरी हदीस की किस्म होती है तकरीरी हदीस। अब ये उर्दू वाला तकरीर नहीं है, अरबी में तकरीर के मानी होते हैं असबात। इसको साइलेंट कन्फेशन भी कहा जाता है, खामोश ताईद। यानी कुछ अमाल ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में जब सहाबा ने किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मना नहीं किया कि ये आपने नहीं करना, उनसे रोका नहीं, आपने ये भी नहीं कहा कि करना है, लेकिन चुप रहने का मकसद क्या था कि ये अमल सहाबा कराम कर सकते हैं। इसकी अगर हम एक वाकया देखें, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ा रहे थे, एक सहाबी आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर अदा की। अदा करने के बाद वो दोबारा से नमाज पढ़ने लगे। जब वो पढ़ चुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपने हमारे साथ अभी नमाज नहीं पढ़ी थी? उन्होंने कहा, मैंने पढ़ी थी लेकिन मैंने सुन्नते फजर की नहीं पढ़ी थी, मैं लेट हो गया था तो वो मैंने बाद में अदा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो वो खामोश रहे, जिससे हमें बहुत बड़ी दलील मिलती है कि अगर फजर की नमाज कभी लेट हो जाए तो आप फर्ज के बाद सुन्नतें अदा कर सकते हैं। चौथी चीज आती है सिफत, सिफाती हदीसें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एट्रीब्यूट्स और उनकी क्वालिटीज को जाहिर करती हैं, खल्की और खुल्की चीजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे, आपका हुलिया मुबारक कैसा था, आपके बाल कैसे थे, आपके दंदान मुबारक कैसे थे, फिर आपकी गुफ्तगू का तरीका कैसा था, कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप अलैहि वसल्लम के अंदर थी। जैसे खालिक और अमीन जैसी क्वालिटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ थे। ये सारी चीजें क्लियर? किसी का कोई सवाल अभी तक? इसके बाद हम आ जाते हैं हदीसे कुदसी क्या होती है। कलमा कुदसी की निस्बत तकद्दुस की तरफ है, जो इज्जत और ताजीम की तरफ इशारा करती है। तकद्दुस का मतलब अल्लाह ताला का हर नुक्स से पाक होना है, और इसका मतलब पाक करना भी है। कुदसी जो है वो कुदस से निकला है। कुदस अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह ताला की ताजीम बयान करने को कहते हैं। हदीसे कुदसी की इस्तेलाही तारीफ ये है कि ये वो कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं। आप जब हदीसें पढ़ते हैं, बहुत दफा आपने सुना होगा कि हजरत जैद बिन साबित ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आगे हदीस आ गई। तो ये है हदीस। हदीसे कुदसी क्या है, जिसमें लिखा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुबहानो ताला ये फरमाते हैं, इसे कहते हैं हदीसे कुदसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, और जब कोई और इसे बयान करे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करेगा, जिसे अल्लाह अज़वजल की तरफ मंसूब किया जाएगा। मसलन कहा जाएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि इन्होंने अपने रब अज़वजल से रिवायत किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब हम देखते हैं कुरान करीम हदीस और हदीसे कुदसी में क्या फर्क है। कुरान करीम क्या है? कलामुल्लाह। वेरी क्लियरली आप कुरान करीम को जब भी पकड़ते हैं ना, ये कुरान को क्यों कहते हैं, कुरान को वुजू करके, लाजमी वुजू से उसको हाथ लगाएं और बहुत प्यार से, क्योंकि वो अल्लाह ताला का कलाम है, उस रब का कलाम है जो हमारा खालिक है, मालिक है। तो कुरान करीम के अल्फाज और उसके मानी मिन जानिब अल्लाह सुबहानो ताला से आए हैं, यानी अल्फाज भी अल्लाह सुबहानो ताला के हैं और मानी भी अल्लाह सुबहानो ताला के हैं जो हम तक पहुंचे हैं। तो वो जो हमारा परवरदिगार है, जिसकी रजा के लिए हम सब कर रहे हैं, हमारा क्या फर्ज पड़ता है, जब कुरान को, आज जब जब कुरान को हाथ लगाएंगे तो कैसे हाथ लगाएंगे, बड़े प्यार से, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है, इसके अल्फाज और मानी मिन जाने अल्लाह सुबहानो ताला है। हदीस, हदीस के अल्फाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते थे, और मानी जो थे वो मिन जाने अल्लाह सुबहानो ताला के, यानी
अल्लाह सुबहान तआला जो थे वो वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बात डालते थे या किसी चीज की एक्सप्लेनेशन डालते थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज से हमें एक्सप्लेन करते थे, लेकिन उसके जो थे मानी वो अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से ही आते थे। फिर हदीस कुदसी क्या है? हदीस कुदसी है कि अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, लेकिन निस्बत किसकी तरफ थी? अल्लाह सुबहान तआला की। ये बड़ी बेसिक सी टर्म्स हैं, और मैं जानती हूँ बड़ी माशाल्लाह हमारी लाइक फाइक बच्चियां हैं और सिस्टर्स हैं, आप सबको ये चीजें पता होंगी, लेकिन ये बेसिक टर्म्स अगर हमारी क्लियर ना हो तो फिर हमारे आगे जाने का कोई फायदा नहीं। तो मैं चाह रही थी कि क्विकली हम इनसे गो थ्रू हो जाएं। आगे आ जाता है वही। वही क्या होती है? वही के लुगवी मानी है, लुगत के मुताबिक वही का मानी है खुफिया तरीके से खबर देना, इशारा करना, पैगाम देना वगैरह। और इस्तलाही मानी वही के क्या है? वही इस कलाम को कहते हैं जिसको अल्लाह ताला अपने नबियों की तरफ नाजिल फरमाता है। इब्नुल अंबारी ने कहा कि इसको वही इसलिए कहते हैं कि फरिश्ता इस कलाम को लोगों से मख्फी रखता है और वही नबी के साथ मखसूस है जो कि लोगों की तरफ भेजा जाता है। शरीयत की इस्तलाह में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होने वाले कलाम को क्या कहते हैं? वही कहते हैं। कुरान पाक में सूरह शूरा में आयत नंबर 50 से 51 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, और किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह इससे रूबरू बात करे सिवाय इसके कि वो वही के जरिए हो, नंबर वन। नंबर टू, या किसी पर्दे के पीछे से हो, जैसे हम देखते हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह सुबहानो ताला ने डायरेक्ट कलाम किया था, लेकिन अल्लाह सुबहानो ताला उनको नजर नहीं आए थे, पर्दे के पीछे से कलाम किया था। या फिर कोई पैगाम लाने वाला फरिश्ता भेज दे और वो उसके हुक्म से जो वो चाहे वही का पैगाम पहुंचा दे, यकीनन वो बहुत ऊंची शान वाला हिकमत वाला है। तो सूरह शूरा आयत नंबर 50-51 में अल्लाह सुबहानो ताला ने वही की तीनों एग्जाम्पल बता दी। एक है कि अल्लाह सुबहानो ताला डायरेक्ट दिल में डाल दे वही के जरिए, दूसरा है कि पर्दे के पीछे से अल्लाह सुबहानो ताला कलाम फरमाए, तीसरा है कि अल्लाह सुबहानो ताला फरिश्ते भेज दे। वही की पर्दे के ओट से अगर हम देखें तो हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह सुबहानो ताला ने कलाम किया था। अब मेरा सवाल है आप सब लोगों से, तो सब लोग अटेंटिव होके जवाब दे, जो पहले दे देगा उसको बहुत बड़ा इनाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से अल्लाह सुबहानो ताला ने डायरेक्ट कलाम कब और कहाँ किया था? गारे हिरा में किया था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे और कलम वाली आयत लेकर आए थे। लेकिन मेराज ये में किया था, अल्लाह सलाम मेराज के में किया तरफ से था हुआ था जी। ये किसने बोला है? मेराज का? जी। मैं मिसेस आबिद बोल रही हूँ कि पहला कलाम गारे हिरा में हुआ था, और वो पढ़ो अल्लाह के हुक्म से जिसने जे लहू वाला जो था वो हुआ था, और आप जी, इबादत में लेकिन मसरूफ थे। ये वही की वो किस्म आती है जिसमें फरिश्ता पैगाम लेकर आता है। जी दूसरा बिल्कुल, जवाब किसी तीसरी किस्म सिस्टर है ने मेराज का दिया था। अपना नाम मेराज, बताएं आमना। मेराज वाले। जी ये किसने, नाम काइंडली बताएंगी? आमना मुदस्सर। आमिना मुदस्सर, माशाल्लाह वही आपके इल्म में इजाफा करे। पहला डायरेक्ट अल्लाह सुबहान तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से कलाम कब किया था? मेराज के मौके पे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर चले गए थे और फिर अल्लाह सुबहान तआला ने डायरेक्ट कलाम किया था। और दो खूबसूरत तोहफे दिए थे, एक नमाज और दूसरे सूरह बकरा की आखिरी दो आयात। मैं हर जी दफा कहती हूँ नमाज जिन जिन लोगों को भारी लगती है, खुदा के लिए इसको भारी ना समझिए, तो अल्लाह सुबहाना ताला का तोहफा है ताकि हम अपने आप को जाहिरी तौर पे और बातनी तौर पे हम अपने आप को पाक रखें। और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात इतनी फजीलत है कि कोशिश करके लाजमी मेरी बहनें उसको हिफ्ज करें, अगर हिफ्ज नहीं कर सकती लाजमी दिन में एक दफा जरूर पढ़ें। पर्दे की ओट जी से ये बात हुई थी, फिर फरिश्ते के जरिए तो बहुत दफा हजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पे फरिश्ता जो है वो वही लेकर आया था हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। और फिर वही की पहली किस्म पे आ जाएंगे, खुद वही अल्लाह सुबहानो ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाली। ये वही की कौन सी किस्म है?
इसका जवाब कौन देगा? ये कौन सी वही की किस्म है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खुद बात आई और उन्होंने हमें एक्सप्लेन की? सबसे पहले वाली किस्म की डायरेक्ट दिल में डाल दे से देना नहीं, लेकिन इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये किस कैटेगरी में आती है? क्या ये कुरान है या ये हदीस है? ये हदीस है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने अहकामात की एक्सप्लेनेशंस अल्लाह सुभान व तआला ने दी वो डायरेक्टली उनके दिल में डाल दी गई, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है जो हदीस है बेसिकली वो भी वही ही है। तो खुद वही दिल में आना ये हदीस है, वही की पहली किस्म हदीस रसूल की शक्ल में महफूज कर दी गई है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वही की इकसाम, वही मतलू और वही गैर मतलू। एक सवाल जो मैंने जब सुना मैं कंफ्यूज हो गई थी और मेरा आप लोगों से भी सवाल होगा, क्या कुरान भी वही की किस्म है? जी कुरान वही की ही किस्म है जो कि अल्लाह ने हजूर पाक के जो है वो फरिश्ते से उनको भेजी थी, तीसरी किस्म जो है जो फरिश्ते लेकर आते हैं। ये 100 में से 100 नंबर हो गए। कुरान भी वही की किस्म है, और कुरान देखे ना अल्लाह सुभान व तआला का कलाम है, ठीक। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 3 डिफरेंट तरह से पहुंचा, कभी डायरेक्टली पहुंच गया जैसे सूरह बकरा की 2 आयात, कभी इनडायरेक्टली पहुंचा पर्दे की ओर से, कभी फरिश्ते लेकर आए, ठीक। तो कुरान को भी वही की किस्म कहा जाता है। वही की 2 इकसाम है, एक वही मतलू, दूसरी वही गैर मतलू। वही मतलू, मतलू तिलावत से निकला है, कुरान करीम की आयात जिनके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हैं और जो कुरान करीम में हमेशा के लिए महफूज कर दी गई हैं, कि इनका एक नुक्ता और शोशा भी ना बदला जा सका है और ना बदला जा सकता है, इसी वही को उलमाई इस्तेलाह में वही मतलू कहते हैं। वही मतलू जिसकी तिलावत, जो मुकतियात होते हैं, ये इसी में आते हैं वही मतलू में? जी इसी में आते हैं, क्योंकि कुरान करीम का हिस्सा है ना। जी कुरान करीम में जो कुछ भी है वो वही मतलू में आता है, क्योंकि उसके एक एक हर्फ को पढ़ने में आपको 10-10 नेकियां मिलती हैं, इसकी आप तिलावत करते हैं और इसको वही जली भी कहते हैं। वही जली दूसरी किस्म पे आते हैं, वही गैर मतलू। वही गैर मतलू दूसरी किस्म इस वही की है जो कुरान करीम का जुज नहीं है, यानी गैर मतलू जिसकी तिलावत ना की जाए। अब हमारे पास अहदीस का खजाना मौजूद है, अहदीस में भी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हदीस कुदसी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसकी तरफ निस्बत करते हैं, अल्लाह सुभान व तआला की तरफ, वो है वही गैर मतलू जिनकी तिलावत नहीं की जाती और जिनको पढ़ने पे 10-10 नेकियां नहीं मिलती, इनको वही खफी भी कहा जाता है। दूसरी किस्म इस वही की है जो कुरान करीम का जुज नहीं बनी, लेकिन फिर क्यों है, लेकिन इसके जरिए आपको बहुत से अहकाम अता फरमाए गए हैं। इस वही को वही गैर मतलू कहते हैं, यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती। अमूमन वही मतलू यानी कुरान करीम में इस्लाम के असूल अकायद और बुनियादी तालीमात की तशरीह पर इक्तफा किया गया है। इन तालीमात की तफसील और जुजवी मसाइल ज्यादातर वही गैर मतलू के जरिए अता फरमाए गए हैं। यही वही गैर मतलू सही अहदीस की शक्ल में मौजूद है और इनमें अमूमन सिर्फ मजामीन वही के जरिए आप पर नाजिल किए गए हैं। इन मजामीन को ताबीर करने के लिए अल्फाज का इंतखाब आपने खुद फरमाया है, इनको वही खफी कहते हैं। बहुत आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो वही मतलू और वही गैर मतलू क्या है? वही मतलू कुरान पाक है जिसकी तिलावत की जाती है, जिसको पढ़ने के हर हर हर्फ पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? वही जली। वही गैर मतलू क्या है? अहदीस जिनकी तिलावत नहीं की जाती और जिनके पढ़ने पे 10-10 नेकियां नहीं मिलती। सवाब जरूर मिलता है, समझने में हमारे बहुत काम आती हैं। जो वही है वो कुरान पाक में हमें अहकामात दिए गए हैं। अब उस अहकामात की कितनी डिटेल है, आप एक हुक्म को उठाएं उसकी कितनी डिटेल है, वो हमें अहदीस से उनकी डिटेल मिलती है। अब हम देखते हैं कि हदीस नबी और हदीस कुदसी में क्या फर्क है।
हदीसे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल और किसी काम पर सकूत वगैरह के साथ खास है, जबकि हदीसे कुदसी सिर्फ कौल के साथ खास है। हदीसे कुदसी वो है जो अल्लाह सुबहानो ताला फरमाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से अल्फाज निकले, लेकिन निस्बत अल्लाह की तरफ की, इसमें कोई फेल नहीं है, ठीक है। और लेकिन हदीसे नबी में कौल फेल और तकरीर तीनों थी। हदीसे नबी में कलाम और अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, जबकि हदीसे कुदसी में मानी अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हदीसे नबी और हदीसे कुदसी में एक फर्क ये भी है कि हदीसे कुदसी में रब्बे करीम की तरफ निस्बत की जाती है और इसी से ही रिवायत की जाती है, जबकि हदीसे नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हैं, यानी यूं कहा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। कुरान करीम और हदीसे कुदसी में क्या फर्क है? अब ये भी तो सवाल हमारे जहन में आ सकता है ना कि कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, हदीसे कुदसी जो है वो भी तो अल्लाह सुबहानो ताला ही फरमा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कुरान करीम के अल्फाज और मानी अल्लाह करीम की तरफ से होते हैं, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया, जबकि हदीसे कुदसी में मानी अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। कुरान करीम तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है, लेकिन अहदीसे कुदसिया में खबरें वाहिद वगैरह भी शामिल है, यानी एक ही दफा पूरी हदीस आ गई। कुरान मजीद तो टुकड़ों टुकड़ों में हमारे पास आया ना, इन हमारे पास डिफरेंट पीसेस में हमारे पास नाजिल हुआ है, ठीक है। लेकिन हदीसें कुछ हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो एक ही दफा में पूरी हदीस आ गई। कुरान करीम की तिलावत करना इबादत है, हर हर्फ के बदले 10 नेकियां हैं, जबकि हदीसें कुदसी की तिलावत करना इबादत नहीं है और ना ही इसके हर हर्फ के बदले 10 नेकियां हैं। कुरान करीम की तिलावत करना जरूरी है, अगर नहीं करें तो नमाज नहीं होती, मगर नमाज में हदीसे कुदसी की तलावत नहीं की जाती, अगर कोई करेगा तो इसकी नमाज ही नहीं होगी। नमाज में हदीसे कुदसी तो नहीं पढ़ते ना, लेकिन कुरान करीम पढ़ा जाता है। अहदीसे कुदसिया को कुरान का नाम नहीं दिया जाता। छोटा डिफरेंस क्या है, कुरान करीम में आयात और सूरतों के नाम है, जबकि अहदीसे कुदसिया में ऐसा नहीं है। सातवां पॉइंट, बेवजू शख्स का कुरान करीम छूना हराम है, लेकिन बेवजू शख्स हदीसे कुदसी को छू सकता है। इस तरह जिस पर गुसल फर्ज है तो उसे कुरान करीम की तिलावत करना हराम है, मगर ऐसा शख्स हदीसे कुदसी पढ़ सकता है। पूरा कुरान करीम जिब्राइल अमीन के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, मगर हदीसे कुदसी जिब्राइल अमीन इल्हाम और ख्वाब के जरिए बयान फरमाते हैं। अब हम देखते हैं नज़ूल वही की तरीके अहदीस की रोशनी में। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि एक मरतबा हजरत हारिस बिन हशाम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है, तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज सुनाई देती है और वही की ये सूरत मेरे लिए सबसे ज्यादा सख्त होती है, फिर जब ये सिलसिला खत्म हो जाता है तो जो कुछ इस आवाज ने कहा होता है मुझे याद हो चुका होता है, और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है, फिर मुझसे बात करता है, जो कुछ वो कहता है मैं इसको याद कर लेता हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सख्त सर्दी के दिन में आप पर वही नाजिल होते देखी, ऐसी सर्दी में भी जब वही का सिलसिला खत्म हो जाता तो आपकी पेशानी मुबारक पसीने से शराबूर हो चुकी होती थी। ये बुखारी की हदीस है, बाबुल वही हदीस नंबर 2। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान पाक बड़ी मुश्किलों से बड़ी तकलीफों के बाद हमारे तक पहुंचाया। आज हमें घरों से निकलना बड़ा मुश्किल लगता है, कुरान क्लास में आना बहुत मुश्किल लगता है, थोड़ी सी असाइनमेंट्स बहुत मुश्किल लगती हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है कि हमारे नबी उम्मती उम्मती पुकारते पुकारते जहाने फानी से चले गए, पर्दा फरमा गए, और आज हम उनकी उम्मत होने का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल दिल में होने का दावा करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं चाहते, कुरान क्लास में आना नहीं चाहते, अपने आप को अल्लाह वाला बनाना नहीं चाहते। नज़ूले कुरान करीम की इकसाम। सबसे पहले एक सवाल, कुरान करीम
कितनी दफा नाजिल हुआ है? ऑनलाइन बता दें, ऑफलाइन बता दें, कोई बता दे, एक कुरान करीम कितनी दफा नाजिल हुआ है? क्वेश्चन एक दफा। ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा कुछ? दोबारा रिपीट करिएगा। कुराने करीम कितनी दफा नाजिल किया गया है? वो तो यही था ना कि 23 साल के अरसे में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। जी, अब अब जो पॉइंट हम देखने वाले क्या हैं, बड़े चौथी होगा? दफा अच्छा, अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पे जरा गौर करिएगा। नज़ूले कुराने करीम, इसमें दो चीजें आती हैं। पहली बात, कुराने करीम दो दफा नाजिल किया गया है। कुराने में करीम दो मरतबा नाजिल हुआ है, और दोनों मरतबा रमजानुल मुबारक के महीने में ही नाजिल किया गया है। ये तो हम सब जानते हैं ना कि कुराने करीम सबसे पहले लोहे महफूज में, कुरान में अल्लाह सुबहान तआला ने खुद भी कहा है कि लोहे महफूज में था। फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए ये पहले आसमान बैतुल इज्जत पर मुंतकिल किया, जिसे बैतुल मामार भी कहते हैं, जो खाना काबा के ऊपर वाली जगह, जहां पे फरिश्ते हैं और कंटिन्यूसली तवाफ कर रहे हैं। आपने पढ़ा ना बैतुल इज्जत, बैतुल मामार, जो खाना काबा के डायरेक्ट ऊपर पहले आसमान पे जगह है। ठीक, कुराने पाक सबसे पहले वहां पे नाजिल हुआ, और वो कुराने पाक मुकम्मल पूरा का पूरा नाजिल कर दिया गया था। इसको कहते हैं इंजाल। कुरान का एक साथ लोहे महफूज से आसमान दुनिया के बैतुल इज्जत में लैलतुल कदर के मौके पर रमजान के महीने में नाजिल होना, इसको कहते हैं इंजाल। जो कुरान पाक मुकम्मल पूरे का पूरा लोहे महफूज से पहले आसमान में बैतुल मामार पे नाजिल कर दिया गया। दूसरी दफा कुराने पाक कब नाजिल हुआ? इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए कुरान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर बतदरीज 23 साल में नाजिल होना, फिर ये कुराने पाक तदरीजन नाजिल हुआ, इसको कहते हैं तंजील। इंजाल क्या है कि पूरे के पूरा कुराने पाक लोहे महफूज से बैतुल मामार पे फरिश्तों पे नाजिल कर दिया गया, और तंजील क्या है कि 23 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तदरीजन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुराने पाक ग्रेजुअली जो था वो नाजिल किया गया। इंजाल और तंजील दोनों नाजिल करना नजूल से निकले हैं। इंजाल है एकदम से पूरे का पूरा दे देना, तंजील है पीसेस में देना। इंजाल क्या है? जब लोहे महफूज से पहले आसमान पे बैतुल मामार में फरिश्तों को पूरा कुरान दिया गया, वो इंजाल है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 साल के अरसे में कुराने पाक तदरीजन नाजिल किया गया, वो तंजील। अब मेरे सामने जो बच्चियां बैठी हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, थक गई हैं, और मुझे लगता है टू मच इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग में आ चुकी है। ऑनलाइन वालों का क्या हाल है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जी, समझ आ रहा है अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ रहा है बहुत अच्छे से माशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कोई सोया नहीं होगा, जी और बड़े फ्रेशली फ्रेशली अच्छे अच्छे नोट्स दिए जा रहे होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हमने अब ये देखिए, अगर हम कुरान पाक हमने कितनी दफा पढ़ा है, और ये वो चीजें हैं जो कुरान में बार बार जिक्र होती हैं। कुरान करीम क्या है, हदीस क्या है, हदीस कुदसी क्या है, वही मतलू क्या है, वही गैर मतलू क्या है, अहदीस की किस्में कितनी हैं, कुरान मजीद कितनी दफा नाजिल हुआ, ये कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन को भी बार बार रिविजन की जरूरत होती है, और मैं बार बार कहूंगी जब बेस मजबूत होगी तो इंशाल्लाह जो उसके ऊपर बिल्डिंग तामीर होगी, आपकी नॉलेज की जो बिल्डिंग होगी वो बहुत पायदार होगी। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक मुतालबा होगा कि जब घर जाएंगे, देखें आज क्लास हुई, अब नेक्स्ट मंडे को कितना टाइम है, एक दफा कोशिश करके रिकॉर्डिंग एक दफा दोबारा सुनिएगा, और एक दफा नोट से गो थ्रू जरूर हुईगा, क्योंकि यही चीजें हैं जो आगे आपको जब पता होंगी ना, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। आप पढ़ेंगे कहेंगे ये तो ये होता है, मुझे समझ आ रही है। क्योंकि हम बहुत दफा कुरान पढ़ते हैं लेकिन तफसीर में हमें टर्म्स बोली जाती हैं लेकिन वो टर्म्स हमें समझ नहीं आ रही थी,
हम कहते हैं अच्छा, या फिर हमें टूटी फूटी समझ आई होती है, तो ये आपने जरूर करना है। अल्लाह सुबहानो ताला के एक वली थे जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन्होंने दीन का बड़ा काम किया, उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, उन्होंने मदरसे भी खोले, बहुत से उनके शागिर्द थे, उन्होंने तालीम दी दीन की और बड़ा जबरदस्त काम किया। जब वो दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उनके शागिर्द को ना ख्वाब आया, और शागिर्द को ख्वाब में वो आए तो शागिर्द ने बड़ा होता है ना तजस्सुस के, उन्होंने शागिर्द ने पूछा अपने उस्ताद से कि अल्लाह सुभानहू ताला ने आपके साथ कैसा मामला किया, तो उन्होंने बड़े अच्छी हालत में उन्हें देखा कि बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, नूर सा चेहरा है, अच्छे कपड़े पहने हुए, तो बड़े खुश होकर उन्होंने कहा कि अल्लाह सुभान व तआला ने मेरे साथ बड़ा आला मामला किया, इतना जबरदस्त मामला किया कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, अल्लाह सुभान व तआला मुझसे राजी हो गया है, अल्लाह तआला ने मुझे कहा है कि मैं कामयाब हो गया हूँ और मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खुल गई है। तो वो बड़ा खुश हुए, कहते हैं जबरदस्त, ये तो बड़ा है, कहते लेकिन एक अजीब बात कि मेरे साथ अल्लाह सुबहानो ताला ने एक आम से बंदे को जगह दे दी है, वो मेरा पड़ोसी है। मैं सोचता था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ कोई मुहद्दिस होगा, कोई आलिम होगा, कोई बहुत बड़ा बंदा होगा जो मेरा पड़ोसी होगा, क्योंकि मैंने तो दीन की इतनी खिदमत की है और मैंने तो इतने बड़े बड़े काम किए, मैं इबादत करता था, तहज्जुद पढ़ता था, मैं लोगों को तालीम देता था, मैं पूरी जिंदगी ऐसे लगा दी, लेकिन मेरा पड़ोसी बड़ा आम सा इंसान है और वो बड़ा एक आम सा मजदूर है। तुम पता करो कि उसने ऐसा क्या काम किया है कि अल्लाह ने उसको मेरे इक्विवेलेंट, मेरे साथ जगह दी, और उनके जो शागिर्द थे वो ख्वाब से उठ गए। जब उनके शागिर्द ख्वाब से उठ गए तो उस जमाने में ना लोगों को तजस्सुस होता था कि लोग जाके देखते थे कि इसमें क्या क्वालिटी है, अगर किसी को ऐसा ना कि वो देखूं कि इसको क्या है, ये बहुत सखी है, ये बहुत इल्म वाला है, इसके अंदर क्या क्वालिटी जो अल्लाह सुभान व तआला ने इतना बड़ा दर्जा दे दिया है, और मेरे उस्ताद भी कह रहे हैं कि वो उनके इक्विवेलेंट है, उनके साथ उनको जगह मिली हुई है, लेकिन वो है आम सा मजदूर। उनका शागिर्द ढूंढता ढांढता उस मजदूर के घर पहुंच गया, उसकी बेवा थी और बिल्कुल ऐसा झोंपड़ी जैसा घर, और कोई कहती है आपके मियाँ इंतकाल कर गए, आपके हस्बैंड तो वो कैसे इंसान थे, बहुत नेक थे। तो बीवी कहती है कोई नेक नहीं थी, कोई नेक नहीं था, ऐसे ही बंदा था। कहते नहीं वो कुछ तो करते होंगे, कोई नेकी होगी। कहते कोई नेक नहीं था, वो बंदा नेक ही नहीं था। कहते लेकिन आप सोचे ना, आप कोई ऐसी बात, ऐसी चीज उनके अंदर होगी जो अल्लाह को उन्हें पसंद आई है और वो मेरे उस्ताद के इक्विवेलेंट हो गए। बड़ी सोचो विचार के बाद उनकी बेगम फरमाती हैं कि हाँ एक चीज है। अब आप सारे पहले एक सेकंड के लिए सोचें कि वो क्या चीज है, अपने अपने जहनों में सोच लें कि आपके जहन में क्या क्वालिटी आ जाती है कि वो क्या चीज होगी कि अल्लाह सुबहानो ताला ने एक इतने बड़े आलिम का पड़ोस दे दिया उस मजदूर को। अच्छा, वो मजदूर पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो कुरान पढ़ना भी नहीं जानता था, तो अपने जहन में सोचें, बस सोचें, ये सोचें एक सेकंड के लिए। आपके जहन में, हर बंदे के जहन में डिफरेंट चीज आएगी कि क्या ऐसी क्वालिटी होगी। इखलाक कह रही हैं आप, कैसे होता होगा उनका, उसका जो है ना अपने पड़ोसियों के साथ और इंसानियत के साथ मामला, मखलूक के साथ मामला अच्छा होगा, आप ही कह रही हैं। चलें, सबके जहन में बहुत सी बातें आ गई, ठीक है, आप जरा सुनिएगा बड़े गौर से। कहती है एक चीज थी जो वो करता था, कहती है एक किताब है और उठे अपर पई है, मतलब वो ऊपर अलमारी के पड़ी है, वो उसको उठाता था, चूमता था, उस पे हाथ फेरता था और कहता था अल्लाह ये तेरा कलाम है और ये सच। बस वो यही करता। अल्लाह सुभानो ताला ने जो किताब हमें दी है ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना जबरदस्त खजाना है कि जब हम इसको उठाते हैं ना, अगर हम इसके दिल आज उस कुरान को ना उठाइएगा और दिल की आंखों से देखिए। सबसे पहले मैंने तो जब वैसे मैं देखती हूँ, मुझसे तो कुरान को हाथ भी नहीं लगाने होता, मैं अपने हाथों को ही देखती हूँ कि इस काबिल भी नहीं कि इस किताब को टच भी कर सके। ये कलाम अल्लाह का है और मेरे हाथ इस मुबारक किताब को टच करेंगे और फिर रोना आ जाता है कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दे दी है कि मैं इसको हाथ लगाऊं, मैं प्रिविलेज्ड हूं, मैं पढ़ूंगी इसको। और फिर जब इसको खोल लो तो बंदे का दिल करते हैं कि एक हर्फ को चूमे। पहले लोग चूमते थे ना तो मैं कहती थी ये क्या करते हैं, तो वो उनके अंदर वो चीज थी, उनको रूह पता थी कि अल्लाह का कलाम है,
वो किताब को चूम नहीं रहे होते थे, वो उस कलाम की कैफियत को महसूस करते थे कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है, और उसको चूमते थे, उसको देखते थे। आज कुरान को ऐसे देखिए और फिर खुश होइएगा कि या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तूने मुझे तौफीक दी कि मैं इसको हाथ लगाऊं। अगर आपको नहीं समझ आता या आपको लगता है कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप जितने लोग बैठे हैं आप सब मुझसे जहीन। मेरा कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, कोई इल्मी लेवल नहीं है, मेरा दिमाग 90% ऑफ द टाइम चीजें भूल जाता है। अगर मेरे जैसे खाकसार को अल्लाह ताला ये तौफीक दे सकता है, आप लोग बहुत बेहतर। उस कुरान की बरकत आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आप सोच नहीं सकते। और सिर्फ ये कहना है आज हमने, आज आपकी हमारी एक्टिविटी क्या है, कुरान को उठाना है अकेले में और इसको महसूस करना है कि ये मेरे अल्लाह का कलाम, उसके पेज खोले, उस पर हाथ डाले, उसकी आयतों को हाथ लगाए और कहें ये हक है, ये हक है और ये हक है। और जब ये हक है और सच है तो मैंने इसको मानना है, मैंने किसी भी हुक्म पे नहीं कहना क्यों और कैसे, बल्कि मैंने क्या कहना है, समेना व अताना या अल्लाह, मैं सुनूंगी और मैं तेरी तौफीक से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्ला। आज का जितना हमारा हिस्सा था वो हमने लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको तमाम टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो जो हमारा होमवर्क ग्रुप है, जो इल्मुल बयान वाला ग्रुप है, उसमें आप मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। ग्रुप में जब ओपन किया जाएगा प्लीज कोई फॉरवर्ड मैसेज शेयर ना करिएगा। जो होमवर्क दिया जाएगा वो थोड़ा सा होमवर्क होगा, डरना नहीं है कि अब कोई बहुत बड़ा होमवर्क आएगा, लेकिन होमवर्क करना सबके लिए जरूरी है। वो आपकी रिविजन होगी, सारी अटेंडेंसेस, सारे होमवर्क के मार्क्स एड होंगे, तभी एंड में अनाउंसमेंट की जाएगी कि किसने कैसा परफॉर्म किया। दूसरी बात, किसी फिकी बहस में नहीं पढ़ना, हमारा काम सीखना है, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। मेरी इससे कोई गलती हो जाती है आप मुझे जरूर करेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सीखता हर वक्त है इंसान और करेक्शन ही इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। बाकी आप लोगों ने बहुत दुआओं में याद रखना है, और स्पेशली आप सबको मैं एक टास्क दूंगी, आज जब आप इस कुरान को खोलेंगे और आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपने लाजमी मेरे वालिदैन के लिए बहुत सी दुआ करनी है। अल्लाह सुबहान तआला मेरे वालिद मोहतरम को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे और मेरी वालिदा को लंबी जिंदगी दे और हम सबको ऐसा बनाए कि हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने। अल्लाह सुबहान तआला आप से मुझसे राजी हो, इजाजत दीजिएगा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد